जो पाए गए रिपोर्ट में उन्हें लेकर कार्रवाई करने की बात आई तब। लेकिन एलजी ऑफिस की तरफ से एक बयान है सोर्सेस का हवाले से, उसमें कहा गया कि आपने जो भी तथ्य रखे वो कहीं ना कहीं भ्रामक तथ्य है और जो केंद्र सरकार के ऊपर आपने पूरा ठीकरा पड़ा वो भी गलत है, क्योंकि वो जिन दवाओं की आप बात कर रहे हो तो एक पूरी प्रक्रिया के तहत आती है केंद्र सरकार से। देखिए, सोर्सेज के हवाले से तो झूठ प्रसारित किया जाता है। अगर एलजी साहब को कुछ कहना है तो खुल के कहें, तो मैं खुल का जवाब दूंगा। ये सोर्सेज से कहलवाने की चोरी है जो है ना, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। खुल के आए मैदान में, खुल के मैदान में जवाब दिया जाएगा उनका। लेकिन आप इस पूरे मामले पे जिस तरह आपने बीते दिन बयान दिया था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने जो लेटर्स दिखाया, देखिए मैं तो तथ्यों पे बात कर रहा हूं। 9 मार्च 2023 को मैं हेल्थ मिनिस्टर बना, 21 मार्च को यानी कि 10 दिनों के अंदर अंदर मैंने मीटिंग करके कहा कि जितनी भी दवाइयां आती हैं, कंज्यूमेबल्स आते हैं, इक्विपमेंट आते हैं, अस्पताल में आते हैं या डीजीएचएस के थ्रू आते हैं, सीपीए के थ्रू आते हैं, उन सब की एक ऑडिट कराई जाए। ऑडिट नहीं कराई गई। मैंने 3 अप्रैल को उसके मिनट्स इशू किए, मैंने दोबारा रिपीट किया कि ऑडिट कराई जाए, ऑडिट नहीं कराई गई। उसके बाद मैंने जुलाई में दोबारा लिखित में आदेश दिए कि भाई जो मेरे पुराने वाले आदेश हैं उनके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट दो और ऑडिट जल्द से जल्द करो, उसके बाद भी नहीं कराई गई। कौन लोग थे जो उस चोरी को छुपा रहे थे, क्यों ऑडिट नहीं कराई जा रही थी? वो हेल्थ सेक्रेटरी थे। अगर हेल्थ सेक्रेटरी साफ थे, कोई मन में चोरी नहीं थी, तो ऑडिट क्यों नहीं कराई गई? और अगर बार बार कहने के बाद भी हेल्थ सेक्रेटरी ने ऑडिट नहीं कराई, तो एलजी साहब हेल्थ सेक्रेटरी को क्यों बचा रहे हैं, उनको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने 2 महीने पहले चिट्ठी लिख के कहा कि भाई ये हेल्थ सेक्रेटरी और उस वक्त की डीजीएचएस की वजह से दिल्ली के अंदर जो है फरिश्ते स्कीम रुक गई, हजारों लोगों की जो है एक्सीडेंट होते हैं उनका फ्री में इलाज जो होता था वो बंद हो गया, आपने उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं करी। अरे भाई आप अफसर के ऊपर कार्रवाई तो करिए, अफसर को आप बचा रहे हैं, अफसर को ऑडिट करने के लिए कहा जा रहा है, ऑडिट नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं कि उसके अंदर गड़बड़ निकली, तो फिर अफसर पे कार्रवाई कीजिए ना। अफसर पे कार्रवाई करने से क्यों जो है एलजी साहब और केंद्र सरकार घबरा रहे हैं? घबराना नहीं चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस मामले में अब क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट आई आपने उससे लेकर चिंता जाहिर की, आप आगे क्या किया जाना चाहिए कि लोगों तक, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर कोई सैंपल खराब हुए हैं तो उन कंपनियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो वो बैच आया उस बैच को अलग कर देना चाहिए। आप अपनी जो, मुझे जो बताया गया कि जितनी भी जो कंपनीज हैं, ये जो है डायरेक्टर जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्रग कंट्रोलर, उनके द्वारा जो है इनको जो है रजिस्टर किया जाता है, उनके द्वारा इनकी समय समय पे इनके बैच की जो दवाइयां जो है टेस्ट करी जाती हैं। मैं उनको भी कहूंगा कि भाई आप अपनी टेस्टिंग की जो आपके मानक है आप उनको बेहतर कीजिए। भाई हम तो यही मानते थे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये जो है रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ड्रग कंट्रोलर है वो इनकी बीच बीच में जांच करते हैं तो ठीक होगा, उनको बेहतर करना चाहिए। और किसी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित किसी राज्य के अंदर और कोई तरीका अपनाया जाता हो तो वो हमें बता दे, हम वो भी अपना लेंगे।